नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्राइडे था, वैसे तो मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि आज ज्यादा अग्रेसिवली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली वही रूल्स को हमने फॉलो किया। सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था सेंसेक्स के अंदर। देखिए, वॉलीटिलिटी इतनी बढ़ रही है, आज भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2% 1.75% से वॉलीटिलिटी अप गया है। जो वॉलीटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इनफैक्ट मैं आज मॉर्निंग से देख रहा था कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स आर स्काई रॉकेटिंग, लिटरली दे आर स्काई रॉकेटिंग। इवन आप मेरे स्क्रीन के ऊपर भी वॉच लिस्ट में देख सकते हो कि निफ्टी ने 22,530 के ऊपर क्लोज दिया है। लेफ्ट साइड पे जो वॉच लिस्ट है उसमें देखना, निफ्टी ने 22,530 पे क्लोज दिया है, बट निफ्टी का 22,550 का कॉल, जिसे हम एट द मनी कह सकते हैं नियरेस्ट, उसका प्रीमियम है 455 रुपीज। 455 रुपीज प्रीमियम, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्शन, वी ऑल नो दैट। ओके, तो ज्यादा अग्रेसिवली ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। पहला ऑर्डर जो मैंने लगाया आज, दैट वाज एट 137। कोई अग्रेसिव ट्रेडिंग का तो प्राणी नहीं था, बस देख रहे थे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, लर्निंग के लिए देख रहे थे। उसमें एक अच्छा ट्रेड मिला मुझे 137 को सेंसेक्स का। सेंसेक्स का ट्रेड इसलिए किया क्योंकि बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी में अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है बींग अ हेज ट्रेडर थ्रू द गैप ऑफ यू नो रिडक्शन इन प्रीमियम, तो मुझे नियर टू एक्सपायरी में ट्रेड करना होगा। तो यहां पे मैंने सेंसेक्स के अंदर ट्रेड किया। सेंसेक्स के चार्ट में आपको ले जाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से मैंने यहां पे आपको ट्रेड लिया। तो मॉर्निंग से सेंसेक्स वो साइडवेज साइडवेज साइडवेज, फिर यहां पे यू नो जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, तीन कैंडल के बीच का गैप, वही मैंने आज फॉलो किया। सॉरी, नॉट यहां पे। तो यहां पे तीन कैंडल के बीच एक हल्का सा गैप क्रिएट हुआ, ये वाला गैप। ओके, यहां पे तीन कैंडल के बीच छोटा सा हल्का सा माइनर सा गैप क्रिएट हुआ। के कितने बजे गैप क्रिएट हुआ? 1:20 पे। अब अगर बुलिश जाना था तो इस गैप को फिलअप करके जाना था। उसकी नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है, मगर वो गैप का रिजेक्शन देख के ऊपर की तरफ जाती है। देखिए, अगर कोई भी रेड कैंडल इस गैप के नीचे क्लोज दे देता तो वहां पे मेरा ट्रेड जो था, वहां पे मेरा जो बुलिशनेस था वो फेल हो जाता। तो दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज दिया, बट रेड कैंडल था, सो आई वेटेड। नेक्स्ट कैंडल अगेन वही लेवल से रिजेक्शन दे रहा था, आई वेटेड। उसके नेक्स्ट कैंडल 135 वाली कैंडल जब ऊपर की तरफ जाने लगी विदाउट ब्रेकिंग दैट गैप, तब मेरे को लगा कि अभी एक अच्छा बूस्ट मोमेंटम देगा। तो यहां पे आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो 137 को जो मैंने एंट्री बनाया था। एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, हमने यहां पे एंट्री लिया, नेक्स्ट पांच कैंडल में दर 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 सेंसेक्स वेंट अप बाय 300 पॉइंट्स। 300 पॉइंट से सेंसेक्स ऊपर चला गया, और जब यहां पे टॉप पे था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन अ प्रॉफिट ऑफ समवेयर अराउंड 6700 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था। मेरे मैक्स प्रॉफिट पॉइंट से भी 250 पॉइंट ऊपर था, 250 पॉइंट्स अबव, बट देन यू नो देयर केम अ फॉल। अब मैंने थोड़ा होल्ड इसके लिए किया क्योंकि जब ये ऊपर 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 की तरफ जा रहा था ना, तब यहां पे गैप बनाते हुए जा रहा था, बुलिश गैप्स। ओके, यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो ये बुलिश गैप बन रहा था, उसके बाद ये बुलिश गैप बन रहा था। सो मेरा ये एक थॉट था कि शायद ये गैप फिलअप करने नीचे की तरफ आएगा, बट जब ये गैप फिलअप करके भी इस बड़ी वाली रेड कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोज दे दिया, एट दैट टाइम आई बुक्ड माई लॉस। सिर्फ 1440 का लॉस हुआ क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो हेज ट्रेड था। तो 2:19 पे 1419 को मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दिया। और यू नो मॉर्निंग से बहुत श्योर था कि ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडिंग करना नहीं है, मंडे का भी मेरा यही प्लानिंग है, आई डोंट वांट टू गो फॉर अग्रेसिव ट्रेडिंग ऑन मंडे। ट्यूजडे एक बार इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तो ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी एज ए हेज ट्रेडर, एज ए ऑप्शन सेलर मेरे लिए, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी क्रैश होगी तो प्रीमियम्स क्रैश होंगे, एंड प्रोबेबली उसका इंतजार अगर प्रॉफिटेबल रहा विद द ग्रेस ऑफ गॉड तो उसका इंतजार हम कर रहे हैं। ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर आपको मेरा मंथली पीएनएल देखना है, क्योंकि आज हमारा मंथ खत्म हो चुका है, अगर आप मेरा मंथली पीएनएल देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना वॉन्ट। ओके, एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप वॉन्ट टाइप करोगे तो कल मैं मेरे मंथली पीएनएल का वीडियो जरूर यूट्यूब के ऊपर बना के डालूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।